ने हमें मकरूज किया। 30 साल से ये दो खानदान इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। 30 साल से, 30 साल में ये अरबपति बन गए, इनके बाहर प्रॉपर्टीज, फ्लैट्स, जायदादें, ऑफशोर अकाउंट्स, और मुल्क को मकरूज कर दिया। मैं तो सिर्फ 3.5 साल हुकूमत की है, तो सवाल मैं ये पूछता हूं कि जब कहते हो कि भिखारी हैं तो हमें तो गुलामी करनी पड़ती है, हमें भिखारी बनाया किसने? किसने इस मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके गए? वो लोग जो हमारे मेहनतकश पाकिस्तानी 14-14, 18-18 घंटे काम करके इस मुल्क में पैसा भेजते हैं, रेमिटेंसेस भेजते हैं, वो मेहनतकश के खून पसीने पे आज हमारा मुल्क चल रहा है, और ये डाकू यहां से मनी लॉन्ड्रिंग, पैसा चोरी करके मुल्क पैसा बाहर भेजते हैं। तो भिखारी बनाया किसने? आपने। और कौन इससे मुल्क को निकालेगा? मैं आपको आज ये कह रहा हूं कि जिस तरह हमें कौम बनते जा रहे हैं, एक कौम के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं होती। जब कौम इकट्ठी हो जाती है वो सब कुछ कर सकती है।